नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज जिला जालौर द्वारा श्री अंधा राम जी सेवा संस्थान मोदरान के तत्वाधान में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के आराध्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री अंधा राम महाराज के पावन गुरुधाम मोदरान में हुआ। संस्था के कोषाध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा ने बताया कि दिनांक 6 सितंबर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को श्री अन्नदेश्वर वाचिका प्रांगण में श्री अन्नदेश्वर महादेव मंदिर का भूमि पूजन, शिलान्यास मुहूर्त, महामंडलेश्वर श्री रविशरणानंद गिरी महाराज के पावन सानिध्य में ज्योतिषविद पंडित प्रवीण शास्त्री के आचार्य तत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण एवं यज्ञ पूजन आरती तथा शुभ मुहूर्त में भव्य आयोजन हुआ। वहीं भोजन महाप्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें लाभार्थी कई मौजूद रहे। लाभार्थी सोनी गोपाल पारसमल निवासी सांथु की तरफ से दिया गया और इस दौरान शिला पूजन करके अन्नदा राम सेवा संस्थान एवं श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जिला जालौर सहित सैकड़ों समाज बंधुओं की उपस्थिति में शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष भंवर लाल दारम्पा, अध्यक्ष प्रकाश मल सांचोर, सचिव छगन लाल डोरडा पारसमल जुजानी, मांगीलाल सांथु, धनराज बाकरा, अरविंद छापरवाल, केशरी मल जोड़वाला, शंकर लाल कोड़का, बाबूलाल जुजानी, राजेश बिशनगढ़ सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। श्री अन्नदेश्वर महादेव का मंदिर वास्तु शिल्पकला आधारित भव्य स्वरूप में निर्मित होगा जिसमें 3 शिखर होंगे और भूमि से 32 फुट की हाइट पर बनेगा, जिसमें हर पिलर की खुदाई से विशेष कलाकृति उकेरी जाएगी और मंदिर में शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिव परिवार की मूर्ति स्थापना के साथ भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। गौरतलब है कि श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अंधा राम का मोदरान में कुछ वर्षों पहले जिले की ऐतिहासिक व भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद श्री अन्नदेश्वर वाटिका का निर्माण किया गया। समाज के आराध्य गुरुदेव और वाटिका के नाम के आधार पर महादेव के मंदिर का नाम भी श्री अन्नदेश्वर महादेव रखा गया।